वेलकम 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 टू माय आर्ट ब्लॉग। यस, आज से मैं आर्ट ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। अभी आर्ट ब्लॉग से ही आपको समझ में आता रहेगा कि आर्ट ब्लॉग में होगा क्या, यानी कि पेंटिंग, लैंडस्केप जरूर करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे बीच के ऊपर। अब ये बीच को बोलते हैं कलंगुट बीच। क्या गोवा में पानी क्लीन है वे, इतना साफ पानी, पीने का मन कर रहा बट पी नहीं सकता। तो एक अच्छा सा स्पॉट मिल चुका है, चलिए जाते हैं वहां पे। वहां पे मैं मेरा सेटअप लगा के रखता हूँ और हम लोग हमारे पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है बच्ची? तो चलिए स्केचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो तीन बोर्ड है बट मैं इन दो तीन बोर्ड्स में से सिर्फ एक ही बोर्ड निकालने वाला हूँ, बाकी के जो बोर्ड्स मैं हटाने वाला हूँ मेरी पेंटिंग में, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे मेरे लेआउट को। तो अपना स्केच हो गया खत्म। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइटेनियम वाइट, कैडमियम येल्लो, फिर उसके बाद है मेरे पास वॉयलेट, ब्रिलियंट ब्लू, ऑकर, वन सियाना एंड पर्शियन ब्लू। तो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने स्केच किया यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाइट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि कलर कैनवास के ऊपर अच्छे अप्लाई होंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने स्केच किया है, ठीक है, तो उसका जो कोल है वो मेरे कलर में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए मैं उसके ऊपर वाइट में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ओहो, ये लड़की, इस लड़की को लगता है कि मैं सामने खड़ी हूँ तो मेरे को भी ये इंसान बनाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको पता ही नहीं है मैंने इसको स्केच ही नहीं डाला ये बार बार मेरा पेंटिंग आके देख रही है कि मैंने मेरे को बनाया कि नहीं, बट मैं वहाँ पे देख ही नहीं रहा हूँ मेरा स्पॉट ही अलग है फिर आके मेरे से बात करने लगी। क्या हो रहा है गोवा में आके? पहले हम लोग पेंटिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं। वो काफ़ी मज़ा आता है स्काई के कलर्स जो ऊपर हम लोग को थोड़ा सा डार्क टोन दिखाई देता है, जैसे वो नीचे नीचे आ रहे हैं वैसे मैं उसको लाइट कलर किया बट वो अपने आप ही लाइट हो गया क्योंकि मैंने जो वाइट कोट दिया था पहले ट्रांसपेरेंट वाइट का, उसके वजह से वो अपने आप ही लाइट हो गया। कितना मस्त ना, कितना अच्छा ना। समंदर पेंट करते वक्त बहुत मजा आया बट सैंड करते वक्त सॉलिड फट गई, बनी नहीं रही थी। इतना कोशिश कर रहा हूँ, फाइनली जाके वो किधर तो इफेक्ट आ गया। जब भी आप लाइव पेंटिंग के लिए जाते हो ना, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बट वो चैलेंजेस को जब भी आप पार करते हो ना तो आपको लगेगा ओ हो हो, मैं तो इस दुनिया का हूँ ही नहीं मज़ा आता है जब भी आप लैंडस्केप करने के जाते हो, कौन से आप कलर यूज़ कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड क्या होगा, आपका फोरग्राउंड क्या होगा, आपके बैकग्राउंड में कितना पर्सपेक्टिव आपको दिखाना है, तो उसके ऊपर आपको कौन से कितने कलर डल दिखाने हैं, कितने कलर लाइट दिखाने हैं, दिमाग की बजी हो जाती है बट मज़ा आता है।
जगह पे जो मैंने फ्लैग डाला वो फ्लैग के लिए एक्चुअली मुझे क्रिमजन रेड चाहिए था, बट मैं क्रिमजन रेड ही भूल गया। एंड गोवा में आर्ट शॉप ही नहीं है वहाँ पे, होगा भी बट मुझे पता नहीं कहाँ पे था। मैंने काफ़ी सारे लोगों को पूछा बट उन लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ पे कलर्स मिलते हैं, तो मेरे पास रेड नहीं था, तो रेड की वजह से मैंने वो फ्लैग था तो मैंने वो नहीं, मैंने ब्राउन का यूज़ करके मैंने वो फ्लैग डाल दिया। तो पेंटिंग तो हो गया ख़त्म, बट उसके बाद ना मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया, मतलब मेरा फेस कोई मेरे इतनी फट रही थी ना, तो मैं मेरा वो फेस ऐसा कैप्चर करना ही भूल गया कि वो लोग हमने ऐसा कैमरा निकालो, बात करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वैसा सोच के गया था, अरे लोग देखते हैं ना, चल ठीक है क्या होता है, लोग देखेंगे तो मैं करूँगा, बट नहीं, अरे यार नहीं होगा, ये जो व्लॉगर्स है ना भाई, हैट्स ऑफ तुम लोग को, कैसा करते हो रे तुम लोग व्लॉगिंग, अपने को भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, आई जाएगा। इतना सब कुछ कर लिया है तो व्लॉग करने में क्या डिफिकल्टी है, पहला ही व्लॉग है, आगे आगे और अच्छा हो जाएगा, क्या बोलते पब्लिक, बराबर ना।